वेलकम बैक टू देसी टू विदेसी। तो आज का वीडियो होने वाला है मालमो वॉक टूर। हम लोग स्टार्ट करेंगे मालमो हार्बर से लेके मालमो सेंट्रल स्टेशन, उसके बाद हम लोग स्टेशन से होते हुए गोथिक चर्च, फिर हम लोग जाएंगे ट्रायंगलेन मॉल, वहाँ पे देखेंगे एक अजीब सा लिफ्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी है। उसके बाद हम लोग जाएंगे मालमो कॉन्सर्ट हॉल और वहाँ पे एक है चर्च, सेंट जॉन्स चर्च, और फिर वापस। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप करते हुए, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक्स एंड कमेंट्स भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड इन केस यू हैव मिस्ड माय प्रीवियस वीडियोस अबाउट मालमो ट्रैवल सीरीज, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हम अभी है मालमो मेराइन यूनिवर्सिटी के पास, वे आर गोइंग टूअर्ड्स हार्बर जो कि है हमारे लेफ्ट साइड में। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये कनेक्ट करता है मालमो मेन सेंट्रल स्टेशन को। और हमारे राइट साइड में है मालमो कैनाल एरिया जो कि आप मेरे मालमो पार्ट वन वीडियोस में चेक कर सकते हैं। और ये सामने आप पैलेस टाइप का एक बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक होटल है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं अगर आप मालमो घूमने आ रहे हैं, विच कॉस्ट यू अराउंड 1000 to 1500 स्वीडिश क्रोना। एंड हियर वी आर क्रॉसिंग द रोड एंड कमिंग टुवर्ड्स हार्बर। यहाँ पे आप कहीं से भी रोड क्रॉस नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो द रूल स्ट्रिक्टली विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप अच्छी तरह से अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसका एक बहुत ही अच्छा वाला फ़ोटो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये है कंप्लीट हार्बर एरिया। और यहाँ पे फोर व्हीलर्स अलाउड नहीं है। और ये है वो पैलेस टाइप का होटल। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, तो आप booking.com या कहीं और दूसरे साइट से जाके होटल्स वगैरह बुक कर सकते हैं। और ये एक अच्छा ऑप्शन भी है अगर आप मालमो घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये सिटी सेंट्रल स्टेशन के बहुत पास है, तो आप बाय वॉक कवर कर सकते हैं। और ये है पूरा व्यू। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा एक डेकोरेशन है वुडन का, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी लगाए गए हैं। और ये है एक छोटी सी फेरी टाइप का शिप जो कि अभी रेस्टोरेंट बन गया है। ये शायद कोई पुरानी शिप होगी जो कि अभी रेस्टोरेंट हो गया है, या तो इसी टाइप का ही डिज़ाइन किया गया है। और ये पूरा एरिया देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये है वो रेस्टोरेंट। दूर से लाइट हाउस भी दिख रहा है। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे होटल्स हैं। और ये सी साइड भी है, तो एक अच्छा व्यू पॉइंट भी मिल जाता है, रहने के लिए भी अच्छा है।
और ये जो सी आप देख रहे हैं ये है बाल्टिक सी, जो कि डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, लैटविया, स्वीडन ऐसे कई कंट्रियों को ज्वाइन करता है। लाइट हाउस के उस साइड आपको छोटे मोटे फेरीज और शिप्स भी मिल जाएंगे, जो कि आपको डे टूर या आर्ली टूर वगैरह भी करवाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 13B। 13B एक्चुअली एक बॉलीवुड मूवी है, किनको पता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आर माधवन का ये एक बहुत ही अच्छा सस्पेंस थ्रिलर मूवी था। और ये है क्रूज एरिया, यहाँ पे क्रूज टर्मिनल लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो अपने लिए क्रूज शिप बुक कर सकते हैं, एक दिन के लिए कहीं आसपास घूमने जा सकते हैं आसपास के कंट्री में। और ये है लाइट हाउस, हम उस साइड भी जाके देखेंगे। और ये आ गए हम लोग उस छोटे से ब्रिज पे, और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। दूर आपको एक शिप भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ से बहुत सारे चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होती है, क्रूज शिप भी लगता है यहाँ पे। और ये भी एक होटल है। आप देख सकते हैं लोग साइकिल में भी घूम रहे हैं। वहां दूर एक शिप नजर आ रहा है। इधर थोड़ी देर बैठ के आप ऐसे ही चिल कर सकते हैं, व्यू का मज़ा उठा सकते हैं। इस लाइट हाउस का बहुत ही अच्छा वाला फ़ोटो भी मैं डालने वाली हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे। और अभी हम लोग चलते हैं उस साइड। ये है वो शिप। सो दिस इज द कंप्लीट टूर ऑफ माल्मो हार्बर एरिया। आप यहाँ पे अच्छे से एक दो घंटे बिता सकते हैं, अच्छी तरह से जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और यहाँ पे छोटे छोटे बोर्ड्स के ऊपर बहुत सारे कैफेटेरिया एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाया गया है, सो दैट आप एंजॉय कर सकते हैं अपना फीका टाइम। अगर आपको पता लगाना है कि फीका कल्चर क्या है स्वीडन में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका भी मैं एक अलग सा वीडियो डाल दूँगी। ये देखिए, ये भी एक छोटा सा कैफेटेरिया है। और उस साइड है मालमो यूनिवर्सिटी। ये सारा रेस्टोरेंट्स वगैरह ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीडिश वाइन सेंटर। घूमते घूमते अगर आप थक जाए तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए भी है, खेलने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। तो हम भी घूमते घामते इधर आ गए थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे कंपनीज हैं। हम यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुके हैं, उसके बाद हम लोग मालमो यूनिवर्सिटी की तरफ चलेंगे। लोग यहाँ पे बोटिंग भी कर रहे हैं। और ये है मालमो यूनिवर्सिटी, इसका भी एक पिक्चर मैंने इंस्टा पे डाला हुआ है। और यहाँ पे रोड्स पे ऐसे मार्किंग हुए हुए रहते हैं कि पेडेस्ट्रियंस के लिए, साइकिल के लिए और बसेस के लिए, ये आप देख सकते हैं, तो इजी हो जाता है ट्रैवलिंग वगैरह में और एक्सीडेंट्स कम होते हैं। और ये हम लोग पहुँच गए मालमो सेंट्रल स्टेशन। और उसके सामने ही है बस स्टॉप। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल स्टेशन। और इससे आगे जाते ही हम लोगों को मिलेगा गॉथिक चर्च। जिन लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, मेरा मालमो पार्ट टू सीरीज जाके चेक कीजिए और देखिए ये चर्च अंदर से कितना सुंदर है। और इससे आगे बढ़ के हम लोग जाएंगे अभी ट्रायंगलेन मॉल। तो जो लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं, यहाँ पे जाके मॉल में जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ का आर्किटेक्चर। हम लोग ट्रायंगलेन मॉल पहुँच गए हैं। ये देखिए ट्रायंगलेन मॉल। और इसके सामने ही है चर्च और ये है स्टेशन। और ये स्टेशन में ये जो लिफ्ट आप देख रहे हैं कुछ अजीब ही है। नॉर्मली लिफ्ट्स जो होते हैं अप डाउन डायरेक्शन में मूव करते हैं, पर ये
इंक्लाइंडली मूव करता है, और इसका पर स्पीड अगर आप देखेंगे तो 0.01 है। मतलब नॉर्मली लोग चल के भी इससे ज़्यादा स्पीड में पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही अजीब सा लिफ्ट मुझे देखने को मिला, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये बहुत बहुत स्लो चलता है, मतलब ऐसे आपको पता ही नहीं चल रहा होगा इतना स्लो है ये। और ये नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि ये सीधा नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि लिफ्ट सो के जा रहा है और हम लोग उसके अंदर खड़े हुए हैं। और मॉल के सामने ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा सेंट जॉन्स चर्च। ये है सेंट जॉन्स चर्च और ये है यहाँ का सराउंडिंग एरिया। पूरा सिटी में आपको दिखा रही हूँ इधर से। और यहाँ से अपोजिट साइड में हम लोग अगर रोड क्रॉस करके जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा मालमो कॉन्सर्ट हॉल, तो उस साइड भी हम लोग जाएंगे। पहले ये देख लेते हैं, आप चाहे तो अंदर भी जा सकते हैं चर्च के। और ये हम लोग आ गए मालमो कॉन्सर्ट हॉल, ये है वो। अभी तो शायद बंद ही होगा कोरोना के टाइम पे। और उसके सामने ये कुछ स्टैचू बना हुआ है। तो आज का ट्रैवल हम लोग यहीं पर ही ख़त्म कर रहे हैं और बढ़ते हैं बस स्टॉप की तरफ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। बहुत सारे गैजेट्स का रिव्यूज़ वीडियोज़ भी मैं लाने वाली हूँ जो कि बजट फ्रेंडली है और जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए अभी यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं पहले सोची कि थोड़ा सा उसको यूज़ कर लूँ, जान लूँ पहले, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो भी वीडियो आगे आने वाला है, आप देखना मत भूलिएगा। एंड आज के वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।